नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्न सेन भारती। आज हम बात करेंगे इंटर और ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले छात्राओं को नीतीश सरकार देगी प्रोत्साहन राशि के बारे में। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अविवाहित छात्राओं के लिए इंटर और स्नातक में 25,000 और 50,000 रुपये देने की बात कही थी। ऐसे में आइए एक नज़र डाल लेते हैं सरकार की घोषणा के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा किया था कि यदि फिर से उनकी सरकार बनी तो स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि भेजने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव में वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद 15 दिसंबर की कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मुहर भी लग गई। कैबिनेट की बैठक के बाद यह साफ हो गया कि इस योजना में 100 करोड़ रुपये की राशि अधिक बांटी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्नातक बालिका प्रोत्साहन योजना में राशि को बढ़ोतरी होने पर करीब 1.50 लाख स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को लाभ मिलेगा। वर्तमान व्यवस्था में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के आवेदन आए थे, जिसमें से 84,344 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है। शेष लाभार्थियों के आवेदन में खामियों के चलते उन्हें विश्वविद्यालय को वापस कर दिया गया है। संशोधित आवेदनों से प्राप्त होने के बाद लाभार्थियों के बैंकों में राशि जमा की जाएगी। राज्य सरकार ने मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त विश्वविद्यालयों के स्नातक पास छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साल 2019-20 में इस योजना के लिए शिक्षा विभाग ने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस तरह से 100 करोड़ रुपए की राशि अधिक बांटी जाएगी। नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में अगले 5 साल के कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई, जिसमें भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन के वादा भी शामिल है। इसके साथ ही 20 लाख रोजगार के वादे पर भी मुहर लगी है। इस बैठक में अविवाहित लड़कियों को इंटर पास करने के साथ ही 25,000 रुपये तो ग्रेजुएशन पास करने वालों को 50,000 रुपये देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं नीतीश सरकार के द्वारा दूसरे कैबिनेट में जिन जिन मुद्दों पर मुहर लगी है उसके बारे में। तो ये सबसे पहले जो बात करते हैं वो 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए बेहतर तकनीकी शिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा जो मुद्दा था वो है ITI और पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को सोलर ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। उसके बाद बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोले जाने की बात कही गई है। खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाएगी। नए उद्योग या व्यवसाय के लिए परियोजना लागत पर 50% अधिक 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इधर 5 लाख तक का लोन मात्र 1% ब्याज दर पर दिया जाएगा। सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा किए जाने की बात कही गई है। महिलाओं द्वारा लाए जा रहे उद्योगों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी और 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। इंटर में प्रथम श्रेणी से पास करने वाली अविवाहित महिलाओं को 25,000 और ग्रेजुएशन में प्रथम श्रेणी से पास करने वाली महिलाओं को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। पुलिस थाना प्रमंडलों, अनुमंडल और जिला स्तर कार्यालय में आरक्षण के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर में रह रहे बेघर या भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला इमारत बनाकर घर दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसके बेहतर प्रबंधन एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सप्ताह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण होगा। सभी शहरों में स्ट्रीम वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें जल जमाव की समस्या न हो। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही नई बाल हृदय योजना भी लागू की जाएगी। विदेशों में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य से बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायत वाइड डेटा बनाया जाएगा। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।